फिर आप हाथों को आगे कर लीजिए। अष्टांग योग यानी यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, यानी हम गृहस्थ जीवन में हैं या संन्यास जीवन में हो, कहीं पर भी हैं, तो अष्टांग योग के माध्यम से यदि अपने जीवन को हम जीना शुरू कर दें तो कभी भी कोई बीमारी नहीं होगी और जीवन यानी जन्म लेने का मकसद भी पूरा हो जाएगा। यम और नियम ये दो जो हमारे चीज हैं, ये हमारे जीवन को परिवर्तित करने वाले हैं, जीवन को हमें एक शास्त्र के मार्ग पे ले जाने वाले हैं। यम के पांच प्रकार हैं और नियम के भी पांच प्रकार हैं। यम यानी सत्य अहिंसा अपरिग्रह लंबे गए कार्यों के साथ खूब अभ्यास करिए, पैरों को मोड़ लीजिए और इशारा कर लीजिए। सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, यानी हमेशा सत्य के मार्ग पर हमें चलना चाहिए। कभी भी यदि अंतर मन से कुछ भाव आए कि यह असत्य है तो उसको आप छोड़ दीजिए और सत्य के मार्ग पर हमेशा चलने का प्रयास करें। सत्य हर क्षेत्रों में है, हर चीजों में सत्य जुड़ा हुआ है। से और सत्य के बाद उल्टा कर दीजिए, अहिंसा है, केवल किसी चीज की हत्या करने हिंसा नहीं है। मन कर्म और वचन से किसी को कष्ट दे रहे हैं, किसी को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, वह भी हिंसा है, ऐसा कभी ना करें। फिर से चोरी नहीं करना है, किसी के भी धन संपत्ति की लालच ना करें और बिना पूछे किसी का सामान न उठाए, ये है चोरी नहीं करना। फिर है अपरिग्रह यानी न्यूनतम आवश्यकताओं से ज्यादा साधन को जुटा के हम ना रखें। जितना हमें सकता है, जितना हमसे बाल बच्चा पढ़ लिख ले और हमारा जीवन बढ़िया चल जाए, उतना ही साधन संसाधन इकट्ठा करके रखें तो हमारे लिए वो सुख का कारण बनता है, नहीं तो हम दुख के कारण में चले जाते हैं। फिर है ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्म यानी परमात्मा, चर्य मतलब आचरण, यानी ब्रह्म जैसा आचरण हो जाए, ब्रह्म जैसा जीवन हो जाए और उसी के जैसा मेरा हर क्रियाकलाप हो जाए तो हमारा जीवन शुद्ध सात्विक रास्ते की तरफ बढ़ जाता है। करते रहिए थोड़ा अभ्यासों को, गर्दन को भी बाएं दाएं करते रहिए। और दूसरा है नियम यानी शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर परिधान, यानी शौच यानी बाह्य रूप से भी शुचिता अंदर से भी शुचिता, स्नान करते हैं तो शरीर की शुद्धि, प्राणायाम करते हैं तो अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। अभ्यास करते रहिए। जितना हम पसीना की कमाई करते हैं, यदि पसीने की कमाई और सात्विक कमाई से यदि बच्चों का भरण पोषण करें तो बच्चा भी सात्विक हो जाता है। कभी घूस के पैसे से, कभी दुराचार के पैसे से, कभी व्यभिचार के पैसे से आप कोई अन्न ना खरीदे, नहीं तो उस अन्न से जो जो अन्न खाएगा वो सब बीमार पड़ेगा, सब व्यभिचारी ही चला जाएगा, सब गलत रास्ते की तरफ चलेगा, ऐसा अभ्यास करिए। फिर तप यानी हम कम संसाधनों के साथ जीवन को जीना तप है। फिर स्वाध्याय यानी अच्छे अच्छे पुस्तकों का पाठ करना ग्रहण करना। फिर ईश्वर परिधान यानी ध्यानात्मक रूप से हम ईश्वर के प्रति अपने को सौंपते हुए, ईश्वर के चरणों में जीवन को सौंपते हुए, ईश्वर के मार्ग को हम अपने आप में अवतरित करते हुए प्रतिष्ठापित करते हुए जब जीवन जीते हैं तो उसके बाद आता है आसन, उसके बाद आता है प्राणायाम। ऐसे क्रमशः करते करते हम समाधि की तरफ जा सकते हैं।